Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. नए पाकिस्तान जे सुनामी गरीब आवाम के लोढ़े छो नए पाकिस्तान का तो पुरानो पाकिस्तान भलो हो। कौमी असेंबली में बजट तकरीर दौरान अपोजिशन लीडर तरफा तकड़ में थियल कानून साजी बाबत कमेटी जोड़ने जो मुतालबो। शहबाज शरीफ चाहिए तो बजट जाली और धोखो है, अड़ी बजट पास थियण नींदासी। टिन साल में महंगाई चोट चढ़ी वही, हुकूमत तरफा लगायल टैक्सेस आवाम की चेल चिबी कर छड़ी। हुकुमरान बजट जरिए महंगाई जो एक बो तूफान आनींदा, हुकूमत होश का कम वे मामला संभालण बदला अपोजिशन का एहसाब के नाले से इंतकाम वरतो पे वे। मौजूदा हुकूमत में जैतियों विछोटू सूबन विच में थियं उनको मिसाल नो मिले। रुगो पंजाब की तरक्की से पाकिस्तान अगत न बधो, समूरन पिलर्स के गड़ खी हलो वो है। एक सूबो पाकिस्तान के खी कद अगत नो वही सके। आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रख ले प्लीज, तशरीफ रख ले, आप तशरीफ रख ले प्लीज। जी प्लीज मुराद आप प्लीज 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 तशरीफ रख ले प्लीज। जो कुछ हुआ नहीं नहीं उसको मैं कह रहा हूँ वो इंतहाई अफसोसनाक था। कौमी असेंबली बजट इजलास में हुकूमती मेंबर्स तरफा एक भेरो बीहर अपोजिशन लीडर की तकरीर में रंडक वेझण की कोशिश। शहबाज शरीफ जो खिताब थींदे ही हुकूमती वजीरन गोड़ शुरू करे दिनों, सीटू भी वजाई व्यूं। स्पीकर असद केसर हुकूमती मेंबर अली अमीन गंडापुर के पैं सीट से विहारे छो। शहबाज शरीफ की बजट तकरीर दौरान अक्सर हुकूमती वजीर ऐवान में निकली हल्या पाया, रुगो पंजवी हुकूमती मेंबर्स ऐवान में मौजूद हुआ। पीटीआई एमएनए आमिर लियाकत ट्वीट बयान में चाहिए तो पीटीआई के 41 मेंबर शहबाज शरीफ की तकरीर को बायकॉट कर छो, न घारगन न छेड़ो, हाँ ये थो शहबाज भाई। हुकूमत अपोजिशन की टीम्स विच में गालन दौरान कौमी असेंबली जो बजट इजलास हलायण लाए फार्मूलो तय। पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के वफदन से मुलाकात पार वफाक के वजीर परवेज खटक चाहिए तो ऐवान में हंगामे झेड़े वो वाको मुसम्मत जोगो है। अपोजिशन से गालन दौरान एक कमेटी तजवीज़ कई वही है तो जी स्पीकर के बाख्तियार बढ़ाया वे ऐवान में अणमणंदर सूरत हाल के कंट्रोल कर सके। वफाकी वजीर फवाद चौधरी चाहिए तो अपोजिशन के अपील कई अथों तो डिप्टी स्पीकर खिलाफ बेएतमादी रिथ वापस वी वे, उम्मीद अपोजिशन रिथ वापस वी। जरियन चवण है तो अपोजिशन बेएतमादी रिथ की वापसी ऐवान में मंजूर थियल तकरारी बिल्स वापस वो शर्त रखी छो। कौमी असेंबली के 7 मेंबर्स मथा ऐवान में दाखिला से लगायल पाबंदी खत्म। जरियन चवण है तो बजट इजलास बेहतर नमूने हलायण लाए हुकूमत अपोजिशन मेंबर्स मथा पाबंदी खत्म कई वही। असेंबली सेक्रेटरिएट लागापल मेंबर्स ने सिक्योरिटी इदारन के पाबंदी खत्म करण बाबत आगाह कर छो। स्पीकर असद केसर चाहिए तो वजीर आजम वजीर खिलाफ कार्रवाई करण का न रोको हो, वीडियोज में को भी वजीर नजर न आयो, जो मेंबर्स नजर आया उन खिलाफ एक्शन खो। मूं वट रुगो इखलाकी ताकत है, कें मेंबर के खड़ी उछले नो सकें। मुझी जिम्मेवारी है तो ऐवान में अपोजिशन हुकूमत के गालण जो एक जड़ो मौको दियां। अपोजिशन बेतमादी रिथ आने वो हक भली इस्तेमाल करे पर ऐवान में पार्लियामानी रवायतन जो ख्याल रखो वे। मुझी इस्तीफा अपोजिशन की ख्वाहिश है, असेंबली मुख्य हाउस हलण जो मैंडेट दिनों है, मैंडेट मौजिब कम कद रह। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत हेठ गडल मफादन वारी काउंसिल जो इजलास जारी। सिंध के वड़े वजीर मुराद अली शाह सूदो चैन सूबन जहा वा वजीर वफाकी वजीर शरीक। इजलास में पानी विर्च से पैदा थियल तकरार सूदो बेन अहम मामलों को जायजो वरतो वो। अरड़ी तरमीम का पोए सूबन के मामलों सूबन में फंड्स की विर्च से गौर भी एजेंडा में शामिल। जरियन चवण है तो सिंध के वड़े वजीर तरफा पानी और आदमशुमारी के मामलों में सूबे से थियल ज्यादतियों वो मामलो भी उथारो वो। ये भाई आपके लिए अनोखा मिसाल है कि एक वाकया हुआ है और 30 FIRs दाखिल हुई है। सनान कुरैशी समेत तकरीबन 200 वर्कर हैं जो हमारे गिरफ्तार हैं। कहते हैं कि गिरफ्तार वर्कर्स को आजाद किया जाए और ये झूठे केसेस खत्म किए जाएं। होना तो ये चाहिए था
कि उन पुलिस वालों के खिलाफ FIR काटनी चाहिए थी जिन्होंने इन वर्कर्स पे तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं हुआ। ये लगाया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारे लगाए गए, ऐसी कोई बात नहीं, हम रियासत के खिलाफ नहीं है। सिंध हुकूमत जानबूझकर MQM की मदद से सिंधी और उर्दू स्पीकिंग जो है उनमें झगड़ा कराना चाहती है। हम जानबूझकर इस चीज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि 15 तारीख को अगर कहा गया तो हम भी चेत गए, इसलिए कि कोई टकरा ना हो, कुछ भी ना हो। वोट ॾियण मैंडेट कोने तो तव्हां ज़मीन जी नीलामी करियो, ईअं तबाही कयो जीअं बहिरिया टाउन सां गॾिजी तव्हां तबाही करे पिया। पीपल्स पार्टी मुतहदा सां गॾिजी सिंधी ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे विढ़ाइणु चाहे थी। असां जहिड़ो नथा चाहियूं, तंहिं करे मुतहदा जे ऐलान बाद 15 जून ते एहतजाज जो ऐलान वापसि वरितो त जीअं गड़बड़ न थिए। पीपल्स पार्टी सरकार अञा ताईं गड़बड़ जी साज़िश में रुथल आहे। सिंध एक्शन कमेटी जे अॻवाननि जूं कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेशी दौरान मीडिया सां ॻाल्हियूं। SUP सरबराह जलाल महमूद शाह चयो आहे त बहिरिया टाउन अॻियां धरणे दौरान रियासत मुख़ालिफ़ खे बनारा न हया विया। असां रियासत जे ख़िलाफ़ न आहियूं, पर सिंध जी ज़मीनूं फमाइण न ॾींदासीं। अवाम पीपल्स पार्टी खे इन करे वोट नाहे ॾिनो त मलिक रियाज सां गॾिजी ज़मीनूं कीनवाल करे। SDP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी चयो त कांग्रेस कारकुन कहिड़ा रॉकेट लॉन्चर ऐं तोपूं खणी घुमी रहिया आहिनि जो कार्रवाइयूं कयूं वञनि थियूं। रॉकेट लॉन्चर त धाड़ियल खणी वेठा आहिनि, उते वञण लाइ केरु बि तयारु नाहे। बहिरिया टाउन नामंज़ूर सॼी सिंध जो नारो बणिजी वियो आहे। हाणे ख़बर पइजी वई आहे त बहिरिया टाउन वाक़िए ते दाख़िल केसिस जो अंग 30 थी वियो। अॻवाननि तरफ़ां सनान कुरेशी सूदो गिरफ़्तार समेत कारकुननि खे जल्द आज़ादु करण जो मुतालबो। सिंध एक्शन कमेटी जी क़यादत सूदो कॉम्प्रेस ऐं कारकुननि जी बहिरिया टाउन वाक़िए बाबति मुख़्तलिफ़ केसिस में 26 जून ताईं ज़मानत मंज़ूर। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत जवाबदारनि खे 25,000 रुपयनि जा ज़मानती मचलका जमा कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। SDP सरबराह डॉक्टर कादिर मसीह जी ज़मानत 21 ऐं SUP सरबराह जलाल महमूद शाह जी ज़मानत 19 केसिस में मंज़ूर कई वई। अदालत में कॉम्प्रेस क़यादत जी पेशी जे मौक़े ते वॾे अंग में कारकुन बि पहुता। ॿुधणी दौरान अदालत ॿाहिरां सिक्योरिटी जा ग़ैर मामूली इंतज़ाम, वॾे अंग में पुलिस अहलकार मुक़ररु कया विया। सिंध हाई कोर्ट बहिरिया टाउन वाक़िए जी अदालती जाच लाइ दरख़्वास्त ते फौरी ॿुधणी लाइ अपीलूं रद्द। अवामी तहरीक जे अॻवान ऐं वकील सजाद चानो तरफ़ां बहिरिया टाउन वाक़िए जी अदालती जाच लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कई वई हुई। चूंड अमल में धांधली रोकण ऐं शफ़ाफ़ियत यकीनी बणाइण जो वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इस्तेमालु आहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जूं चूंड सुधारनि ऐं EVM बाबति इजलास दौरान ॻाल्हियूं। वज़ीर-ए-आज़म खे EVM जे इस्तेमालु बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चयो त हुकूमत चूंड अमल में शफ़ाफ़ियत यकीनी बणाइण लाइ पुरज़म आहे। समुंड पार पाकिस्तानी मुल्क जो असासो आहिनि, खेनि चूंड अमल में लाज़मी शामिलु कयो वेंदो। हुकूमत बजट जूं हक़ीक़तूं लिकाइण लाइ ओपोज़िशन जो आवाज़ दॿाए रही आहे। इमरान ख़ान गारगंद ऐं बदतमीज़ी कराए बची नथो सघे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान जी बजट में 700 अरब रुपयनि जा टैक्स लॻाया विया। डेयरी सनत ते बि 17% वधीक टैक्सिस लॻाए छॾिया। महांगाई तब्दीली जो असल चहिरो आहे। तेल ऐं बिजली जे अघनि में वाधि महांगाई जो ॿियो सोनामी आणी हुई। मुल्क में हर 3 मां 1 बार ग़िज़ाई खोट जो शिकार आहे। सुप्रीम कोर्ट कराची में ग्रीन बेल्ट मां दख़लियूं फौरी तौर हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। KMC खे ग्रीन बेल्ट असल हालत में बहाल करण जो हुकुम। ग्रीन बेल्ट ते क़ाइम खे इलेक्ट्रिक जी ऑफिस ग़ैर कानूनी करार ॾींदे 2 महीननि अंदरि ख़तमु करण जो हुकुम सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे हुकुम में चयो आहे। त ग्रीन बेल्ट खे कमर्शियल सरगर्मियुनि लाइ इस्तेमालु करण जी इजाज़त न ॾींदासीं, के इलेक्ट्रिक जी ग्रिड स्टेशन खे बि 2 महीननि अंदरि हटायो वञे। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड 16 खां मथे कॉन्ट्रेक्टी ऑफिसर्स खे कमीशन टेस्ट पास करणु बिना पको करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ॿुधणी। अदालत पंहिंजे रिमार्क्स में चयो त कमीशन पास करणु बिना ऑफिसर्स खे कीअं पको करे सघे थो, ईअं त सुभाणे कंहिंखे बि ऑफिसर बणायो वेंदो। इहो पब्लिक सर्विस कमीशन पास कंदड़ ऑफिसर सां 81 सदूक हूंदो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ दाख़िल अपील ॿुधणी लाइ मंज़ूरु करे वरिती। धुरियुनि खे नोटिस जारी। फंक्शनल लीग जे जनरल सेक्रेटरी सरदार रहीम जो भाउ ऐं PTI अॻवान सरदार अज़ीज़ पीपल्स पार्टी में शामिलु।
सरदार अजीज तरफा कराची में सूबाई वजीर सईद गनी संगत प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पीपल्स पार्टी में शामिल थियण जो ऐलान। सरदार अजीज के अमाड़ी के कौमी तख्ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादिर पटेल खिलाफ पीटीआई की टिकट से आम चूंड विड़ो हो। सूबाई वजीर सईद गनी है तो सिंधु हुकूमत की कारकर्दगी वफाक बियन सूबन की भेट में बेहतर है। कराची में भी तरक्याती कम कया पा वन जजिस जो एतराम करूँ था असा बुधाई तो हुकूमत किथे किथे कम किया है। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नासिर शाह असा सिंध कार की गाल नथा करूँ पर कटौतियों बंद कर वन पानी फंड्स बजट में कटौतियों कई व्यू हैं। पीटीआई वन टाइम पार्टी है वह मानून के मामू बनाए इकदार में आई हाँ मानू पीटीआई से कावड़ी पाया। चेक भरसा मछी के फार्म तां ब चौकीदार मुबैना तौर अगवा मुसाफिर गोठ भरसा धाड़ेल चौकीदार जावेद मिरानी मजीद महर के अगवा कर वह वारसन जो चवण है तो चौकीदार रात जो बरसात दौरान मछी के फार्म से चौकीदारी कर रहा हुआ जिता हथियारबंद के अगवा कर वह धाड़ेल मुल्कन के नंबर से मैसेज किया है तो पुलिस सदन गिरफ्तार साथी आजाद कहीं तो मुल्कन के भी आजाद किया वो वारसन तरफा आला अख्तियार का नोटिस वही मुल्कन के जल्द बाजियाब कराने को मुतालबो। शिकारपुर जिले में अफवाह की वारदातों में तेजी बावजूद पुलिस धाड़ेल खिलाफ ऑपरेशन में कर आजाद सियासतदान हुजण बावजूद सदाई पीपल्स पार्टी की मदद कई पुलिस के धाड़ेल सूरों 100 का दोहारी गिरफ्तार करा दिना। धाड़ेल की पुटभराई के इल्जाम में गिरफ्तार टेगू खान तेगानी जो शिकारपुर की अदालत में पेशी दौरान गालू टेगू खान तेगानी चे तो कच्चे में फौज जरिए धाड़ेल खिलाफ ऑपरेशन कर सके तो कच्चे में धाड़ेल खिलाफ को भी ऑपरेशन न पो थे ऑपरेशन रुगो सियासतदान खिलाफ थी रो है। आवाम की अक्सरियत मोहब्बत मुँह से गड ऐसी रवायती सियासतदान वायरा थी गया कश्मोर कंदकोट जहा सियासतदान मुख्य सियासी मैदान से हटाने घुरन था। एस पी फाजिल शाह सरकारी धुर्मण की वो है पुलिस अजा जांच मुकम्मल ना ही कई केस जो चालान पेश ना ही सको अदालत में इंसाफ की उम्मीद है। सकाफत खाते के वजीर सरदार शाह के मुहारन बाबत दिनल बयान ईची में पैजी वो सूबाई वजीर खिलाफ केस दाखिल करने ला एक बो शहरी अदालत पहुंची वो नौशरफ फिरोज की अदालत में सरदार शाह खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने ला एक बी दरख्वास्त दाखिल अदालत सूबाई वजीर सूधो लागापल धुरन के नोटिस जारी कर छाया। डीएसपी कंप्लेन के दरख्वास्त जाना जवाबदारन का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया वो है तो सरदार शाह मुहारन खिलाफ गैर मुनासिब बोली इस्तेमाल कर सदन इज्जत नफ्स के छीर रसायो है। सोशल मीडिया से वायरल थे सरदार शाह के बयान वाली वीडियो भी अदालत में पेश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गजगोड़ से बरसात दौरान मुख्तलिफ हादसन इलाकों में पीपुट सुधो टे जणा हयाती बिना बैठा रतोदेरो भरसा गोठ मेहर बुलड़ो में बरसात दौरान घर की छत जो बनड़ो किरी पो रोशन बुलड़ो संदस पुट जहीर दबजी फौत पीर गोठ भरसा मीर लाशारी गोठ में बरसात दौरान घर की भित किरी पई नीगर गुडो लाशारी दबजी फौत जाल मुड़स टे जणा जख्मी सखर की गोलीमार वाले इलाके में बरसात बाद घर की भित किरण सबब बिन औरतों समेत चार जणा जख्मी दराजा भरसा तूफानी बरसात दौरान कोच ए ट्रालर में टक्कर पांच मुसाफिर जख्मी पीर गोठ भरसा गोठ दरिया खान शेख में बरसात दौरान बिन पौरियतन जहाँ घर किरी पाया छह बारन सूरों अठ जणा जख्मी। बरसात जी बिन मिटी जय जय हुकावते मची तो सा मिलन जी आरजू ओ नौ बेसाती कुटी बरसात जी बिन मिटी जय जय सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में किथे हल्की किथे गजगोड़ से बरसात जारी लाड़कानो रतोदेरो मुहंजोदड़ो भरपासे में तेज बरसात बाद पानी रस्तन घटन में बीजी वो खैरपुर सखर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा से बरसात बाद बिजली जो निजाम दावादूर 120 फीडर्स के बिजली की फरहमी मुअतल रानीपुर फैजगंज नवाब वली मोहम्मद शाहपुर चाकर झोल संझोरो में भी वक्फे से बरसात बाद मौसम खुशगवार उमरकोट सामारो सूबो भरपासे बरसात बाद मौसम खुशगवार
खिपरो यथर में पलर की फालुट गजगोड़ से बरसात दौरान तराइयों भर अचरे थर वासन जो मुर्कू मोटी आयु संगियों वगण भरपासे में वसकारे बाद रस्तन तोड़े घिटियन में पानी भीजी वो मुख्तलिफ इलाक में बरसात जो सिलसिलो 19 जून तीन जारी रहने की अगकत हुई। हैदराबाद में पॉपुलेशन वेलफेयर खाते जो कारनामो दवाओं मरीजन के दिन बदरा मुदे खारिज करने बाद कचरे के ढेर में उतरे छ्यों पॉपुलेशन वेलफेयर अख्तियारियों तरफा मुदे खारिज गोलियों दवाओं और सिरिंजेस कचरे के ढेर में उतरी व्यू रानीबाग के मुख्य दरवट दवाओं आला अख्तियारियों हरकत में न आई। खैरपुर के गोठ गाबर मेतलो में अठे क्लास की शागिर्दियाणी अखबा वारसन तरफा बी सेक्शन थाने के शागिर्दियाणी गुलनास मेतलो जो अगवा के दाखिल फरियादी गुलाम अकबर मेतलो दायों है तो बड़ी अग जवाबदार घर से हमलो कयो हथियार के जोर से धीए के अगवा कर धीए के जल्द बाजियाब कराए वे पुलिस का चवण है तो अगवा केस में कुछ गिरफ्तारियों क्यों हैं जल्द केस बाजियाब कराने की कोशिश कई वे। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में जे वाई पे के सद से पानी खोट करप्शन बन अवामी मसलन खिलाफ मुजाहरा सखर में पानी खोट बदमनी करप्शन खिलाफ रैली बाद प्रेस क्लब आदो एहतजाजी मुजाहरों जैका बाद छठो सजावल में कारकुन रस्तन से निकली आया पानी खोट खिलाफ नारेबाजी रैली से मुजाहरन के खिताब दौरान अखबारों चयो तो सिंध में पानी खोट करप्शन बदअमनी आवाम जो जीण अजाब कर छो है इदारों की तबाही जो कारण रिश्वतखोरी है पीपल्स पार्टी सरकार आवाम जो मसला हल कर में नाकाम की वही जे वाई फे तरफा सिंध में कलाकन जा कलाक लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबो। कंदकोट जिले के मुख्तलिफ इलाक में उरड़ी जारांगा जारी जैका भारतीय अस्पताल में दाखिल कंदकोट पास नींगरी हयाती विञाए वेठी नींगरी हाजरा रिंद के चार ढी अग उरड़ी विघे अस्पताल दाखिल किया वो हो ई लाड़कानों और भरपास के इलाक में रोलू कुतन जो आजार न घटो रोलू कुतन 12 सूदों बधी 13 जणन के डाढ़े विधो जख्मी के चानका में वैक्सीन लगाए वापस घरों मान पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल हेडलाइन सां मां ॾिठियूं हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक।